भारत का संविधान अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध धारा 371 अनुच्छेद 371 दो। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति महाराष्ट्र या गुजरात राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा यथास्थिति विदर्भ मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र या सौराष्ट्र कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए इस उपबंध सहित की इन बोर्डों में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा। खास समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उक्त क्षेत्रों के विकास व्यय के लिए निधियों का साम्यपूर्ण आवंटन के लिए और ग समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नियोजन के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने वाली साम्यपूर्ण व्यवस्था करने के लिए राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 का इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी का निम्नलिखित के संबंध में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात एक, नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, दो, नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, तीन, सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं, चार, भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण, ख, नागालैंड के राज्यपाल का नागालैंड राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में तब तक विशेष उत्तरदायित्व रहेगा जब तक उस राज्य के निर्माण के ठीक पहले नागा पहाड़ी तयुएनसांग क्षेत्र में विद्यमान आंतरिक अशांति उनकी राय में उनमें या उसके किसी भाग में बनी रहती है और राज्यपाल उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के पश्चात करेगा। परंतु यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस उपखंड के अधीन अपेक्षा की गई है कि वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेक से किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करना चाहिए था या नहीं। परंतु यह और कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अब यह आवश्यक नहीं है कि नागालैंड राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व रहे, तो वह आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि राज्य का ऐसा उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। अनुदान की किसी मांग के संबंध में अपनी सिफारिश
करने में नागालैंड का राज्यपाल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी निर्दिष्ट सेवा या प्रयोजन के लिए भारत की संचित निधि में से भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई धन उस सेवा या प्रयोजन से संबंधित अनुदान की मांग में न कि किसी अन्य मांग में सम्मिलित किया जाए। घ उस तारीख से जिसे नागालैंड का राज्यपाल इस नियमित लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, तयुएन सांग जिले के लिए एक प्रादेशिक परिषद स्थापित की जाएगी जो 35 सदस्यों से मिलकर बनेगी और राज्यपाल निम्नलिखित बातों का उपबंध करने के लिए नियम अपने विवेक से बनाएगा, अर्थात एक प्रादेशिक परिषद की संरचना और वह रीति जिससे प्रादेशिक परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। परंतु तयुएन सांग जिले का उपायुक्त प्रादेशिक परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और प्रादेशिक परिषद का उपाध्यक्ष उसके सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। दो प्रादेशिक परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अर्हताएं। तीन प्रादेशिक परिषद के सदस्यों की पदावधि और उनको दिए जाने वाले वेतन और भत्ते यदि कोई हो। चार प्रादेशिक परिषद की प्रक्रिया और कार्य संचालन। पांच प्रादेशिक परिषद के अधिकारियों और कर्मचारी वृंद की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तें। और छह कोई अन्य विषय जिसके संबंध में प्रादेशिक परिषद के गठन और उसके उचित कार्यकरण के लिए नियम बनाने आवश्यक है। दो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी नागालैंड राज्य के निर्माण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक या ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जिसे राज्यपाल प्रादेशिक परिषद की सिफारिश पर लोक अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे का तयुएन सांग जिले का प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा। ख जहां भारत सरकार द्वारा नागालैंड सरकार को संपूर्ण नागालैंड राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई धन दिया जाता है वहां राज्यपाल अपने विवेक से तयुएन सांग जिले और शेष राज्य के बीच उस धन का साम्यपूर्ण आवंटन के लिए प्रबंध करेगा। ग नागालैंड विधानमंडल का कोई अधिनियम तयुएन सांग जिले को तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल प्रादेशिक परिषद की सिफारिश पर लोक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार निर्देश नहीं देता और ऐसे किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निर्देश देते हुए राज्यपाल यह स्पष्ट कर सकेगा कि वह अधिनियम तयुएन सांग जिले या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपंतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जिन्हें राज्यपाल प्रादेशिक परिषद की सिफारिशों पर वे निर्देश करें। परंतु इस उपखंड के अधीन दिया गया कोई निर्देश उस इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूत लक्षी प्रभाव हो। राज्यपाल तयुएन सांग जिले की शांति उन्नति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए विनियम उस जिले के तत्समय लागू संसद के किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का यदि आवश्यक हो तो भूतलक्षी प्रभाव के निरसन या संशोधन कर सकेंगे। अंगा एक नागालैंड विधानसभा में तयुएन सांग जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य को राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर तयुएन सांग कार्य मंत्री नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री अपनी सलाह देने में पूर्वोक्त सदस्यों की बहुसंख्या की सिफारिश पर कार्य करेगा। दो
तयुएनसांग कार्य मंत्री तयुएनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों की बाबत कार्य करेगा और उनके संबंध में राज्यपाल के पास उसकी सीधी पहुंच होगी, किंतु वह उनके संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी देता रहेगा। च इस खंड के पुरोगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी तयुएनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों पर अंतिम विनिश्चय राज्यपाल अपने विवेक से करेगा। छ अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में तथा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के या ऐसे प्रत्येक सदस्य के प्रति निर्देश के अंतर्गत इस अनुच्छेद के अधीन स्थापित प्रादेशिक परिषद द्वारा निर्वाचित नागालैंड विधानसभा के सदस्यों या सदस्य के प्रति निर्देश होंगे। ज अनुच्छेद 170 में एक खंड 1 नागालैंड विधानसभा के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होगा, मानो 60 शब्द के स्थान पर 46 शब्द रख दिया गया हो। दो उक्त खंड में इस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रति निर्देश के अंतर्गत इस अनुच्छेद के अधीन स्थापित प्रादेशिक परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होगा। तीन खंड 2 और खंड 3 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति निर्देश से कोहिमा और मोको कंचुंग जिलों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति निर्देश अभिप्रेत होंगे। तीन, यदि इस अनुच्छेद के पुरोगामी उपबंधों में से किसी उपबंध को प्रभावी करने में किसी कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा कोई ऐसी बात जिसके अंतर्गत किसी अन्य अनुच्छेद का कोई अनुकूलन या उपांतरण है कर सकेगा, जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होती है, परंतु ऐसा कोई आदेश नागालैंड राज्य के निर्माण की तारीख से 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद में कोहिमा मोकोकचुंग और तयुएनसांग जिलों का वही अर्थ है जो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 में है। सब्जी बनाना पर करना नहीं, कुछ करना नहीं सीखिए।